नमस्कार साथियों, गोवा बीच पे हैं और वाटर स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं। तो सामने आप देख सकते हैं किस तरीके, तो बहुत ही अच्छा यहाँ का दृश्य है। बने रहिए हमारे साथ, जो जो भी हम यहाँ पे एक्टिविटीज करेंगे आपको उनसे रूबरू कराते रहेंगे। जैसे कि हमने वादा किया था भारत प्रिय जम्मू कश्मीर ब्लॉग्स के, कदम जहाँ जहाँ पड़ेंगे वहाँ वहाँ हम आपको जो जो एक्टिविटी करेंगे आपको दिखाते रहेंगे। तो ये वाटर स्पोर्ट्स के लिए हमारी टीम रेडी होती हुई, वी आर गोइंग इन सी फॉर वाटर स्पोर्ट्स एंड आवर क्रू मेंबर्स आर देयर, मोर देन 10 पीपल्स आर देयर इन देयर यूनिफॉर्म, डाइविंग स्टाफ बॉडी, एंड नाउ वी आर गोइंग टू अवर डेस्टिनेशन। एंड व्यूअर्स प्लीज स्टे विद अस टू एंजॉय द मोमेंट्स वी एंजॉय इन गोवा एट द सी। Stay tuned with us at Bharat Priya Jammu Kashmir, our YouTube channel, please subscribe and... तो अभी हम बड़ी बोट पे आ गए हैं, छोटी बोट से, छोटी बोट वापस जा रही है हमें छोड़ के बड़ी बोट तक। तो भैया हम कहाँ जाएंगे अभी आगे? अभी वो जो सामने आइलैंड दिख रहा है वहाँ पे हम स्कूबा डाइविंग के लिए जा रहे हैं सारे। तो हम आपको दिखाते रहेंगे पूरा जो एक्टिविटीज हम करेंगे आपके साथ शेयर करते जाएंगे साथ साथ। तो ये ड्राइवर जो है हमें जानकारी देंगे थोड़ा डाइविंग के बारे में। तो भैया बोलो। जो डाइविंग इक्विपमेंट है जो आपको हम अंडर वाटर प्रोवाइड करते हैं, अंडर वाटर इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि यहाँ हेवी रहते हैं, इसका वेट 14 kg होता है, अंडर वाटर इसका वेट 0 हो जाता है, इसलिए पानी के अंदर होता है। क्योंकि क्या होता है कि पीछे एयर टैंक होता है, इसमें एयर होती है और इसमें भी हम थोड़ी एयर प्लांट करते हैं, इससे आप बोट करेंगे तो उनके भी नहीं लगे। ओके, ये डाइविंग का मास है जो आपको हम बोट पे लगा सकते हैं। तो जब आप ये लगाया जाता है इसमें आपकी आइस टोटली कवर हो जाती है, आइस की पूरा टाइम, तो इसके अंदर पानी नहीं जाता। ओके, और ये नोज पॉकेट है, ये फ्लेक्सिबल रहता है, इसमें आपका नोज रहता है, तो नोज टोटली बंद, नोज के अंदर भी पानी नहीं जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नोज से पानी नहीं जाएगा तो नोज से आप ब्रीदिंग भी नहीं कर पाते, तो आपको मुंह से सांस लेना, वापस मुंह से ही छोड़ना। ओके, तो जब आपको ये लगाया जाता है मास्क तो ये आपको टाइट हो जाता है पूरा, तो आपको अंडर वाटर इससे निकलना नहीं है, इसे एडजस्ट भी नहीं करने जाना। अगर आप जाने भी जाते हो तो क्या हो जाता है, हल्का सा फूलने से ड्रॉप ड्रॉप पानी अंदर चला जाता है। ओके, तो इसको हाथ नहीं लगाना। वैसे जो इसके ऊपर जो ग्लास लगा जाता है ना, ये मैग्नाफेट ग्लास रहता है, तो जब आप ये पहन के पानी के अंदर जाते हो तो और तो कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा ना, एक्चुअल को थोड़ा नज़दीक दिख जाता है और बड़ा दिख जाता है। ओके, हाँ, ये जो आपको जैकेट दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये जैकेट को हम कहते हैं PCD। PCD मीन्स बॉयंसी कंट्रोल डिवाइस, जो अंडर वाटर आपको फ्लोटिंग के लिए, नीचे जाने के लिए या बीच में रहने के लिए हेल्प करते हैं, और इसे हैंडल करते हैं हम। जो आपके साथ रहेगी पर पर्सन एक हमारा ड्राइवर रहेगा, आपको फुल टाइम कैरी करेगा, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, वैसे ये नॉन स्विमिंग एक्टिविटी है, इसमें आपको स्विमिंग आना ज़रूरी नहीं है, और अगर आपको स्विमिंग आती है इसमें तो करनी भी नहीं, इसमें कोई लेग मूवमेंट, हैंड मूवमेंट अंडर वाटर नहीं करना। क्यों नहीं करने होते, क्योंकि आप ज़्यादा अंडर वाटर क्या करते हो, माउथ ब्रीदिंग करते हो, माउथ ब्रीदिंग करते समय आप ज़्यादा हाथ में हिलाते रहते हो, उससे आपकी हाइपर ब्रीदिंग हो जाती है, आप थक जाते हो, तो आपको हाथ में हिलाना नहीं होता है। और जैसे ही आप नीचे जब जाते हो, नीचे जगह होता है जब आप हाथ में हिलाते रहते हो, नीचे कूल्स रहते हैं, शेल्स रहते हैं, रॉक्स रहते हैं, तो आप ऐसे पैर हिलाओगे तो आपको चोट भी लग सकती है। जैसे कि आपको जैसे उठते हो सुपरमैन जैसा पोज आपको अंडर वाटर रखना होता है, जो आपको हम नीचे पूरा हमारा पॉइंट रहेगा वो आपको हम घुमा के लेके आ जाते हैं। ओके, रॉक्स को ऐसे पुश नहीं करना है, नीचे टच नहीं करना है पैरों से, आपको आराम से देखना है, नज़दीक से आपको लेके आएंगे। ओके, जब भी आप पानी के अंदर जाते हो तो आपको एक डिवाइस भी दिया जाता है माउथ ब्रीदिंग करने के लिए, ये देखो इसे कहते हैं रेगुलेटर ब्रीदिंग एपरेटस, अंडर वाटर माउथ ब्रीदिंग के लिए आपको हेल्प करता है। ओके, इसके अंदर सिर्फ ब्रीदिंग को सर्व करना है, अपने आप ब्रीदिंग नहीं आती, जैसे आप स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक सर्व करते हैं, जितना चाहिए कोल्ड ड्रिंक उतना सर्व करते हैं ना, वैसे इसके अंदर सिर्फ ब्रीदिंग को सर्व करना है, वापस इसी के अंदर ही छोड़ दीजिए। जब आप इसके अंदर एयर छोड़ते हो तो क्या हो जाती है, एयर साइड से निकलती है,
और जब आप ये अंडर वाटर प्रोसीजर करने जाते हैं तो अंडर वाटर का बबल्स आते हैं, यानी कि बबल्स आ रहे हैं कि आप पानी के अंदर परफेक्टली कर रहे हो, बस इसको डरना नहीं है। ब्रीदिंग को अंडर वाटर का भी होल नहीं करना है, कंटिन्यू इन एंड एक्से आराम से डीप ब्रीथ स्लोली आता है, इसमें कोई आपको हाइपर ब्रीथ नहीं, कोई शॉर्ट ब्रीदिंग नहीं। ओके, तो इसे कैसे बाइक किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ, बाद में आप नीचे आपको ट्राई करेंगे। ओके, तो ये जो दिख रहा है ना ब्लैक कलर का, इसे माउथ पीस कहते हैं, ये आपके पूरे मुंह के अंदर रहता है, और जो टू पीसेस दिख रहे हैं फीट होल्डर है, इसे क्या करना है आपके पीछे वाले जो हमें नॉर्मल से बाइट करके रखना है, नॉर्मल से बाइट, अगर आप इसे बाइट नहीं करोगे तो ये मुँह से रिमूव हो जाएगा, इसलिए नॉर्मल बाइट, इतना भी जोर से नहीं चबाना कि आपके बाद में दांत पेन करे, नॉर्मल डॉट रिमूव नहीं, बाद में जो फ्रेंडी थी वो आपकी इसके अंदर ही कवर जाएगी, आप पूरा कवर हो जाएगा। ये जो बाहर का पेस दिख रहा है ये आपको लिप से कवर करना है, कंटिन्यू पाउच वो शेप, इसलिए ओके वो मेरा खोल क्या हो जाता है, इससे आपके मुँह के अंदर पानी नहीं जाता, और आप लिप्स का मूवमेंट करते हैं स्माइली कह रहा है अंडर वाटर करते क्या हो जाता है टाइट से खुलता है और अंदर पानी जा सकता है, फिर अगर गलती से पानी ज़्यादा जाता है तो अंदर सर्दी की बहुत ज़रूरत है, इसी की क्या कर रहा है इसके अंदर से ब्रीदिंग ले रहे हो, इसी के अंदर छोड़ रहे हो, तो आप पानी भी फ्लो कर सकते हो, निकल जाता है उसी जगह से, जैसे कि आपको मैं एक बार ट्राई करके दिखाता हूँ कैसे ब्रीदिंग किया जाता है। नीचे वाले दांत में फंसा के इसमें कोई आपको हाइपर ब्रीथ नहीं, शॉर्ट ब्रीथ नहीं, ओके जैसे कि आराम से, ओके जैसे मैंने बताया आपको हम नीचे पहनाते हैं, नीचे पहनने के बाद आपको साइड में लेके चलते हैं, दोबारा थोड़ा सा बता कि आपको कंफर्टेबल करेंगे, अगर आप कंफर्टेबल होते हो तो ये आपको हम नीचे लेके जाते हैं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो थोड़ा आपको आप हमारी तरफ से टाइम देंगे और कंफर्टेबल करेंगे। ओके, लेकिन क्या हो जाता है किसी को हम टाइम देकर भी कभी कोई कंफर्टेबल नहीं होता है, कोई डर के मारे बोर्ड भी आ जाता है वहाँ, तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपको दोबारा नीचे नहीं भेजा जाता है, या आपका चांसेस और कभी नहीं देता, तो जब आप नीचे जाते हो तो आप ही को ट्राई करते हो, जैसे आप कंफर्टेबल करते हो फर्स्ट आपको आप वन मिनट के लेके जाते हो, वन मिनट आपका वीडियो निकालते हो, जो पैकेज में इंक्लूड रहता है सोलो वीडियो वन मिनट, ओके जब भी आपको वीडियो निकालेंगे तभी आपके हाथ का भी नंबर दिया जाएगा, आपका आगे की नंबर होगा, वही नंबर एक कैमरामैन देगा पानी के अंदर, उसे निकालना होता है, वो आगे उसे कैचअप करके आपका वीडियो निकालते हैं, जब आपको पानी के अंदर आपका वीडियो निकालते हैं वीडियो के सामने आपको मूवमेंट करना होता है, उससे आपका वीडियो अच्छा आ जाता है, लेकिन मूवी में भी दिखाता रहता है आपकी वजह से हार्ड बनाना, जैसे जो सेलो गोली मारना। कितनी देर रहते हैं पानी के अंदर? जैसे क्या होता है वीडियो निकालते समय कोई अंडर वाटर डांस भी करता है, पद्मासन भी करते हैं, अगर आप चाहे तो भी कर सकते हो, उससे वीडियो अच्छा दिख जाता है, वीडियो जब खत्म हो जाता है उसके बाद आपको नीचे लेके जाते हैं। ओके, तो इधर टाइमिंग का इशू नहीं रहता, जैसे कि क्या होता है आपको कंफर्टेबल होने के टाइम लग जाता है, कंफर्टेबल 15-20 मिनट लगते हैं, कोई जल्दी से हो जाता है तो जल्दी से लेके आ जाता है, जो हमारा टाइमिंग का पॉइंट रहता है वो आपको घुमा के लेके आता है, वैसे नहीं टाइम के हिसाब से नहीं रहता। ओके, जैसे आप और नीचे जाते तो इसकी गहराई रहती है 7 मीटर से लेकर 10 मीटर तक, 24 से लेकर 30 फीट, तो जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं तो कुछ अंडर वाटर आपको प्रॉब्लम रहेगा पानी के अंदर, या अच्छा लग रहा है तो आप बात नहीं कर सकते, तो कुछ डाइविंग के हैंड साइन रहते हो, वैसे तो बहुत सारे साइन रहते हैं लेकिन हम आपको सिर्फ 3 साइन ही बताएंगे इम्पोर्टेंट बात। ओके, फर्स्ट साइन इज कम्फर्टेबल, अगर आप कम्फर्टेबल हो आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है अच्छा दिख रहा है तो इस पर ओके साइन कम्फर्टेबल साइन। ओके, फिर कुछ प्रॉब्लम लगा आपको पानी के अंदर ऊपर आना होता है तो ये अप साइन होता है, ये गुड साइन नहीं है, ध्यान रखो ये अप साइन है ऊपर आने का। ओके, अगर आपको और नीचे जाना होता है तो ये डाउन साइन, 3 साइन ही आपको याद रखना है। ओके, कम्फर्टेबल नहीं सब एंड गो डाउन। ओके, ड्रेस
पकड़ के रखो, ना डर के। पानी देना पानी। पाँच मिनट के बाद Thank you.